कहते हैं ना, अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। आज की कहानी कुछ इसी बात पर आधारित है। आप सबको याद होगा 1982 में एक फिल्म आई थी बाजार। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे फारूक शेख, नफरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल और सुप्रिया पाठक। फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में चल रही थी। फिल्म की यूनिट रॉक कासल होटल में ठहरी हुई थी। इस फिल्म में शबाना आजमी की अम्मी यानी कि शौकत कैफी आजमी जी एक कैरेक्टर रोल प्ले कर रही थी। उसी के शूटिंग के सिलसिले में हैदराबाद आई हुई थी। जैसे ही स्मिता पाटिल को ये पता चला कि शबाना आजमी जी की अम्मी यानी कि शौकत कैफी आजमी जी यहाँ आई हुई हैं, स्मिता चुपचाप अपना कमरा छोड़कर उन्होंने वो कमरा शबाना आजमी जी की अम्मी यानी कि शौकत जी को दे दिया। जबकि शौकत आजमी उस फिल्म में एक कैरेक्टर रोल प्ले कर रही थी और स्मिता पाटिल फिल्म की लीड हीरोइन थी। जैसे ही ये बात शबाना आजमी को पता लगी, शबाना स्मिता के इस जेस्चर से काफ़ी खुश हुई और तब दोनों के बीच की जो दूरियां थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन शबाना आजमी इससे पहले कुछ कर पाती या कह पाती, स्मिता पाटिल अपने करियर के पीक में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन स्मिता पाटिल के जाने के बाद स्मिता पाटिल के पेरेंट्स ने शबाना आजमी को बिल्कुल अपने बच्ची की तरह यानी कि स्मिता पाटिल की तरह ही ट्रीट किया। तो स्मिता पाटिल के एक अच्छे काम ने स्मिता और शबाना की दोस्ती करा दी। जबकि 80 के दशक में स्मिता पाटिल और शबाना आजमी के राइवलरी के किस्से ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। तो कैसी लगी आपको यह स्टोरी? इसी तरह के किस्से जानने के लिए बॉलीवुड रेट्रो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड रेट्रो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।